यार तुम लोगों ने सीनिया को देखा है? कहाँ है वो? वो ऊपर है। ऊपर का क्या मतलब? वो ऊपर गई तो झूला रुक गया, अयाज भी उसके साथ है। कितना रोमांटिक है ना, वो दोनों एक साथ, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है यहाँ? कोई है? कोई तो जवाब दो। अयास, अगर हम पूरी रात यहीं पे रहे तो क्या होगा? देखो परेशान नहीं हो, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा ये। तुम्हें कैसे पता ये? मेरा दिल कह रहा है ये। तुम्हारे दिल पे मुझे कोई भरोसा नहीं रहा अयास। अरे यार शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए, मैं तो वैसे भूल ही गया था। हाँ तो मैंने गलत कहा क्या अयास? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना, लेकिन शादी से इनकार कर दिया तुमने। क्या हुआ था अचानक से? हाँ बताओ मुझे। देखो हम फिर बात करेंगे उस बारे में, ठीक है? फिर बात करेंगे क्या मतलब? हाँ तो इतनी ऊपर क्या हम ये व्यू देखने के लिए बैठे हैं? मैं तुमसे और क्या बात करूँ? हाँ रोशनी कहाँ है? हाँ तुम उसे क्यों नहीं लाए अपने साथ? क्योंकि वो थोड़ा बिजी थी। तुम प्यार करते हो उससे? देखो मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है, प्यार करते हो तो बोलो, बताओ मुझे। तुम्हें जो सोचना है ना वो तुम सोचती रहो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों पे गुस्सा आता है मुझे अयास। प्यार करते हो या नहीं? अरे फिर से सवाल शुरू कर दिया तुमने मुझसे। हाँ तो फिर तुम ही बताओ मुझे, ऐसी कौन सी बात है जो मैं तुमसे कहूँ और तुम्हें गुस्सा ही ना आए? बोलो भी। यार देखो मैं तुम्हें कभी उदास नहीं देखना चाहता। अच्छा मजाक था, बहुत हंसी आ रही है। तुमने अकेला छोड़ दिया मुझे, कहते हो कि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तुम्हारी ना इस बात पे ये बंदर भी हंसेगा। तुम्हें एहसास भी है मेरी क्या सिचुएशन है? टूट चुकी हूँ मैं। अब आसमान पे ले जाके तुमने मुझे जमीन पे गिरा दिया है यार, जबकि यहाँ से गिरने की इतनी तकलीफ नहीं होती मुझे। शायद तुम्हारे लिए कितनी बेवकूफियां की मैंने, कितना गुस्सा किया मैंने, जेलस हुई, टूट चुकी हूँ अयाज। क्या कसूर है मेरा बताओ मुझे? तुम नहीं समझोगे, कोशिश भी नहीं करोगे तुम। वैसे भी अकेले तो हो नहीं जो सोचोगे तुम, आज बिजी थी ना वो, इसीलिए आ गए तुम। ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था मैं। अब तो हद हो गई अयाज, फिर तुमने किया क्यों ऐसा? और तुम मुझे वजह क्यों नहीं बता रहे हो? किसके कहने पर किया है तुमने ऐसा? सुन रहे हो तुम मुझे? किसके कहने पे मुझे छोड़ा? क्यों शादी से भागे तुम? मुझे ये जाने। अरे जल्दी करो इसे चलाओ, मेरे दोस्त ऊपर फंसे हुए हैं, किस मुश्किल में होंगे यार वो दोनों। जीनिया तो ऊंचाई से बहुत डरती है। अल्लाह अल्लाह, अयाज उसके साथ है तो क्यों डरेगी वो भला? अच्छा वाकई सबको पता है अयाज ने जीनिया को कई दिनों से बहुत ज्यादा हर्ट किया हुआ है। वो तो बड़ी सीधी है, जैसे जरूर उसने भी कुछ किया होगा। तुम्हारी लड़की ऊपर है, मुझे तो अपने बच्चे की फिक्र हो रही है। हाँ। ऐसे बातें नहीं करें आप। अच्छा बस करें, आप दोनों बहस नहीं करें, ये उन दोनों का जाती मामला है, ठीक है? बेहतर यह है कि उन पर ही छोड़ दें। प्लीज बताओ यार, खुदा के लिए कुछ तो बात बताओ जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, मुझे भी जानने का हक है, बोलो ना। हर्ट किया तुमने मुझे? जानकर नहीं किया मैंने, सही वक्त आने पर सब सामने आ जाएगा। क्या क्या सामने आएगा यार बताओ मुझे, क्या क्या सामने आएगा?
मेरी जान तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं अम्मी जान। तुम दोनों ने तो हमें डरा ही दिया था सच में। ठीक हूँ मैं, परेशानी कोई बात नहीं। फिजा कहाँ गई? मुझे उसके घर पे रुकना था आज रात। जीनिया वो लोग बस अभी अभी निकले हैं। अच्छा ठीक है, मैं खुद जाके देख लूंगी उन्हें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जीनिया कहाँ है सिबेल? चली गई है, उसने कहा कि फिजा के घर रुकेगी। अच्छा हाँ, उफ यार फिजा कहाँ हो तुम? कहाँ ढूंढू अब? अच्छा तो अब मेरे ख्याल से चलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों क्यों नहीं, लेकिन पहले मैं पेंडुलम राइड तो ले लूँ। बाय। हाँ वैसे एक बात है, अनकरा में मुझे ये सब बहुत याद आएगा। अरे आप वापस अनकरा जा रही हैं? हाँ हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ जो बार बार मुझे बुला रहे हैं और मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती, बस इसीलिए चले जा रही हूँ। अरे हमें भी आपकी बहुत ही ज्यादा याद आएगी। पता है, बिल्कुल पता है कि तुम लोग मुझसे कितना प्यार करते हो। झूठी कहेंगी। पापा चले कहीं ट्रेन ना मिस हो जाए। मैं चलता हूँ आपके साथ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जाविया बेटा। इसकी कोई जरूरत नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। आइए बाबा हम भी चलते हैं। जान से मार दूंगा मैं इसे। फिक्र मत करो, तुम्हारा वक्त भी जल्द ही आएगा। यार कौन लोग हो तुम लोग, बताओ मुझे क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे आखिर? बोलो ना क्यों किडनैप किया है मुझे? ये क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों चिल्ला रही है ये लड़की? शरी जवाब दोगे तुम? आप ही ने तो कहा था मुझे कुछ भी नहीं कहना है। तुम पागल हो क्या? मैंने सिर्फ इस लड़की को जवाब देने से मना किया था। हाँ कुछ खास नहीं भाई, वो ही घिसे पीटे सवाल, कौन हो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? देखो मेरे बाबा वकील हैं, वो तुम्हें। ये तो नहीं कहा मैंने, अपनी तरफ से मत बोलो। सुनो प्यारी लड़की, आपको फ्री होने की जरूरत नहीं है, आप तमीज से बात करें मुझसे। आपके घर में माँ बहने नहीं है क्या? हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है बेटा, हमने सिर्फ जावियार को डराने के लिए तुम्हें अगवा किया है। मतलब क्या है और उसके डराने क्यों है? तुम इस बारे में मत सोचो, सो जाओ बस। रुक जाओ एक मिनट, मेरे हाथ तो खोल दें कम से कम, मैं ऐसे कैसे सोऊंगी यहाँ पे? छोड़ दे भाई, मत खोलना इसे वरना भाग जाएगी ये। वाह यार, आखिर ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? रहम रहम करें प्लीज आप लोग मुझ पे, मैं ऐसे कैसे सोऊंगी? मैं कहीं भी नहीं भागूंगी, यकीन करें आप लोग मेरा। थैंक यू, कितने अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। रुक जाए यार, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? किस तरह सोऊंगी मैं? बहुत शुक्रिया तुम लोगों का, हद है यार। गुड नाइट। ओफ ओफ। सच में कल रात बहुत मजा आया यार,
महीने में एक बार चले जाना चाहिए हमें। भाई मेरी तो बस हो गई, और सच बताऊं तो बूमिंग कार चलाने के बाद तो मैं ड्राइविंग से ही थक गया हूं कसम से। पता है कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे नजमा आंटी कहीं से भी आ जाएंगी अभी। हेलो मिराल आंटी, कैसी है? नहीं तो जीनिया हमारे साथ तो नहीं है। आंटी मैं सबसे पूछकर फिर आपको कॉल बैक करती हूँ, ठीक है ना? चले मैं कॉल करती हूँ। यार तुम में से रात को आखिरी दफा जीनिया किसके साथ थी? मिराल आंटी का फोन था, वो अब तक घर नहीं पहुंची। लेकिन यार जीनिया तुम्हारे साथ नहीं थी? नहीं तो मैंने उससे आखिरी दफा पार्क में देखा था। वो तो तुम्हारे पीछे गई थी ना, और ये भी कहा था कि तुम्हारे साथ रुकेगी। नहीं हमने तो नहीं देखा उसे। एक मिनट, यानी जीनिया हम में से किसी के साथ भी नहीं थी? मुझे नीचे उतारो, पूरी रात मुझे मच्छरों ने काटा है यहाँ पे। सुनो हम एक डील करते हैं, तुम लोग छोड़ दो मुझे और मैं घर जाके किसी को कुछ बताऊंगी भी नहीं। चलो डील कर लो, वरना मेरे मूड का तो कुछ नहीं पता। वैसे अकल की बात की है शरीफ, इसमें अकल की बात क्या है? बताओगे जरा मुझे कि अकल की बात क्या है? तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक जावियार हमारी डिमांड पूरी नहीं कर देगा। तुम कहीं नहीं जा सकती यहाँ से। चलो जरा तुम्हारी एक तस्वीर ले लेता हूं मैं। शरीफ ये क्या कह रहे हो तुम? तस्वीर खिंचवा रहे हो भाई? पीछे दफा हो जाओ, हटो यहां से। शिट यार, फोन भी बन जा रहा है उसका। पता नहीं मेरी जान कहाँ है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी मुझे डर है कि कहीं किसी ने किडनैप ना कर लिया उसे। क्या बकवास है, जीनिया से किसी को क्या मतलब है? जावियर तुम कुछ जानते हो इस बारे में? नहीं तो मैं भी सबकी तरह परेशान हो गया हूँ। हो सकता है वो खुद ही कहीं अकेले रिलैक्स होना चाहती हो। ऐसा नहीं हो सकता, हम में से किसी ना किसी को तो बताती ना वो। हाँ सही है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं मिराल आंटी से क्या कहूँ यार, वो कब से परेशान हो रही हैं। अरे नहीं अभी उनको कुछ मत बताना, ठीक है? मैं कॉल करके देखता हूँ। हेलो, देखो जीनिया को हाथ भी मत लगाना, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं नहीं लगाता हूँ बोली बोली, ओके? क्या क्या कहा, 5 लाख? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कौन हो तुम लोग? हाँ कौन हो? अगर तो लड़की को कुछ हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। सुनो तुमने, तुम कौन हो? हाँ मैं आयास। आयास? देखो आयास मेरे भाई, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानते, और ये मसला हमारा तुमसे नहीं है, हमें मसला जावियार से है। हमने उसे वार्न किया था लेकिन वो हमारी बात समझा नहीं, तो इसीलिए मजबूरन हमें यह कदम उठाना पड़ा। बात सुनो मेरी, जीनिया बेकसूर है, अभी कभी उसे छोड़ दो। हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे उसे। तुम उस जावियार से बोलो कि 5 लाख का बंदोबस्त करे फौरन, तो फिर हम लड़की को छोड़ देंगे। और हाँ होशियारी करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना जानते नहीं हो तुम। अच्छा तो ये कौन है आयास? बॉयफ्रेंड है मेरा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड जावियार नहीं है क्या? अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आयास की गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन एक्स गर्लफ्रेंड। नहीं यार, हमने तो इसे जावियर की गर्लफ्रेंड समझ के अगवा किया ना, और ये कह रही है मैं आयास की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। बिल्कुल, तुम जैसे समझदार को समझ कैसे आएगा। एक बात बताऊं तुम लोगों को, मैं तुम लोग फंस चुके हो, आयास मुझे ढूंढ लेगा और तुम लोगों को पटक पटक के मारेगा। अब इंतजार करते रहो उस वक्त का। ठंडी हवा का झोंका आयास, आयास आ रहा है। ओ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है,
कहीं इसकी बात सच तो नहीं है भाई? क्या हमने कुछ गलत तो नहीं किया भाई? हमने क्या इसे ज्यादा गुस्सा तो नहीं कर दिया भाई? भाई असल में तो आप पता चलेगा यास को मेरी अहमियत का, फिर पता चलेगा उसे। अगर जीने को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, सुन ली तुमने मेरी बात? अयाज छोड़ो, मुझे मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? मेरे वहम गुमान में भी नहीं था ऐसा। मैं पैसे अरेंज करता हूँ, जीनिया को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम इंतजाम कर रहे हो तो क्या करूँ मैं, बैठे इंतजार करता रहूँ मैं? तुम करो जो करना, मैं ढूंढ लूंगा उसे। अयाज तुम क्या कर रहे हो यार, रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन अब मैं इस खेल से बोर हो गया हूँ, कुछ और खेलते हैं। तीन पत्ती खेलते हैं। लेकिन ये हम कैसे खेलेंगे, इसके लिए तीसरा बंदा होना चाहिए। दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? मैं भी खेलूं क्या? हाथ खुल दे मेरे, मैं भी खेल सकूं। पागल समझाए, तुम्हारा क्या भरोसा? हाँ यार आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी ताकतवर लोग हैं आप लोग, मैं कैसे भाग सकती हूँ? चलो कुछ देर के लिए खोल लो, ये भी कुछ टाइम पास कर लेगी। वैसे एक बात बताऊं आप लोगों को, मैं खुद यहाँ से नहीं भागना चाहती, मैं तो चाहती हूँ अयाज मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आए, फिर मजा आएगा जब वो तुम लोगों के पीछे मुझे ले जाएगा। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, वो तुम्हें कैसे ढूंढेगा, यहाँ आना नामुमकिन है। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन वो अयाज है, ढूंढ ही निकालेगा मुझे। ठीक है, देख लेते हैं हम भी। ये कार्ड्स पकड़ो तो, मैं दोबारा कॉल करता हूँ ताकि वो जल्द इंतजाम कर ले। मैंने कहा जल्दी पैसों का इंतजाम करो, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। देखो किसी ने भी उसको नहीं देखा यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो चलो बताओ उसे कहाँ ढूंढे हम। उनकी कॉल है। हेलो, क्या हुआ, हुआ पैसों का इंतजाम? सुनो मैं इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी रकम है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। मेरी अभी बॉस से बात हुई है, वो जल्दी करने को कह रहे हैं। आज शाम तक सारे पैसों का इंतजाम कर देना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो लड़की जान से जाएगी। धमकी? भाई मैं कह तो रहा हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा इंतजार तो करो तुम। हेलो, मैं आयास, जीने की आवाज सुनाओ मुझे। आयास तुम फिर बीच में आ गए, आखिर तुम्हें इसकी आवाज क्यों सुननी है, बताओ। हाँ देखो मैं सुनना चाहता हूँ कि वो ठीक है या नहीं, मुझे भरोसा नहीं है तुम पे। लो सुन लो आवाज, स्पीकर ऑन कर रहा हूँ मैं। अयास साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। अयास? ज़ीनिया तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तुम परेशान मत हो। इन्होंने मारा तो नहीं है तुम्हें? नहीं नहीं, बल्कि हम लोग कार्ड्स खेल रहे हैं। क्या मतलब है? अयास बे कोज़माचा, समझ रहे हो? क्या अयाज बे कोज़माचा कह रही हूँ। चलो बस बहुत है अब तक के लिए, अब पैसों का इंतजाम करो, उससे पहले कॉल मत करना। क्या हुआ, क्या कहा? कुछ भी नहीं हुआ उसे, बिल्कुल ठीक ठाक है वो। कुछ तो कहा होगा, मेरा मतलब है कोई इशारा तो दिया होगा। यानी अजीब सी बात की थी उसने। क्या बात है बताओ मुझे। उसने कहा कि वो कार्ड्स खेल रही है। मैंने पूछा क्या मतलब है इसका, तो उसने कहा अयाज बे कोज़माचा। हाँ तो तुमने उसे इस तरह क्यों कहा? हाँ मतलब इतनी इज्जत से। असल में मेरा बैकग्राउंड इस्तांबुल से है ना, हम सभी ऐसी बोलते हैं। अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो क्या हम खेल शुरू करें? जी बिल्कुल आरिफ साहब। तो ये ले। अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब है इस बात का, इतनी इज्जत से बात क्यों की उसने, और वो वाकई उन गुंडों के साथ कार्ड खेल रही थी। अयाज बे कोज़माचा कहा उसने, अयाज बे कोज़माचा।
अयाज बेकोस। हाँ, समझ गया मैं, बेकोस महसिनिया, ये तो हिंट दिया उसने हमें। चलो जल्दी करो, जल्दी। आवाज आई है आप लोगों को? क्या मतलब, कैसी आवाज? अरे अभी आई आवाज। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। ठीक है, तो फिर आप लोग देख लें, किसी भी वक्त पुलिस आ जाएगी, मैंने तो बता दिया उन्हें। मैं जाकर देख कर आता हूँ। जरा कार्ड्स देख लूँ मैं। चिटिंग क्यों कर रहे हैं आप? बताना मत उन्हें। जाए ना आप भी, यहाँ क्यों बैठे हैं? चेक करें जाके। वो खुद संभाल लेंगे। और अगर कोई उन्हें मार के बेहोश करते फिर क्या करेंगे आप? ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता। ठीक है फिर, मेरा तो काम था समझाना। देख लेता हूँ मैं भी, अभी आता हूँ। जाए जाए, अभी जाता हूं। कैसी आवाज थी वो? बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सुकून है। अच्छा, वहम होगा मेरा। शायद। ये बताओ, तुमने कहीं कार्ड्स तो नहीं देखे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये कार्ड्स मेरे हैं भाई। हाँ हाँ ठीक है, चलो शुरू करो। मतलब अयाज, हम बेकोस आ गए हैं लेकिन उसे ढूंढेंगे कैसे, कुछ सोचा है? अरे वो उस वक्त यही बता सकती थी ना, अब वो उनके सामने पूरा एड्रेस तो बताने से रही। हाँ, बात तो सही है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। बातें बंद करो और चुपचाप ढूंढते रहो उसे। चलो देख लेते हैं फिर। वो यही कहीं है मुझे ऐसा लग रहा है। मैं यहाँ का हर घर छान मारूंगा लेकिन मैं जीनिया को लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। हाँ तो अब बताओ हम कहाँ जाएं, इस तरफ जाएं या उस तरफ? तुम उस तरफ जाओ, मैं उस तरफ जाऊंगा। ठीक है, कुछ पता चले तो कॉल करना। फिर से मैं जीत गया, देखा तुमने? मुबारक हो आपको। शरीफ, चलो अब इसके हाथ बांध दो। अरे क्या जरूरत है तो हाथ बांधने की, देखा ना मैं कितनी मासूम लड़की हूँ। छोड़े ना भाई, आपने देखा ना कितनी शरीफ लड़की है। ठीक है, मत बांधो, रहने दो। ऐसा करो, तुम चाय बना के ले आओ, लगता है ज्यादा वक्त लगने वाला है। हाँ। तो अयाज अमीर है क्या? शायद। मालदार है? क्या मुसीबत है, काश कि मुझे ये पहले पता होता। चालाकी चक्कर उसकी, बहुत तेज हो तुम। हाँ बोलो जावियर। कुछ पता चला? हाँ घर मिल गया मुझे, मैं अंदर ही जा रहा हूँ। नहीं रुको अयाज,
पहले पुलिस को तो आने दो। उसे ऐसे खतरे में नहीं छोड़ सकता, मुझे अंदर जाना ही होगा। साफियर कैसी आवाज है? मुझसे पूछ रहे हैं आप? शरीफ, शरीफ कहाँ हो तुम? मैं देख कर आता हूं, खबरदार यहां से हिलना मत। आए, आयाज आया होगा। जीनिया? अयाज, क्या तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो हम चलते हैं यहाँ से। अयाज पीछे देखो। अयाज, अयाज तुम ठीक तो हो? अयाज जवाब दो मुझे, तुम ठीक तो हो ना? अयाज तो तुम इसे बचाने आए थे, लेकिन क्या क्या तुमने बचा पाए इसे बताओ। हाँ नहीं कर सके ना? चलो चलकर बाहर देख कर आते हैं। जाहिर सी बात है ये अकेले नहीं आया होगा यहां पर। तुम्हें चोट ज्यादा तो नहीं लगी? तुमने इसे ज्यादा जोर से मारा था। उफ, तुम एक तो मजाक करना बंद करो, ये कोई टाइम है मजाक करने का? तो तुम परेशान हो रहे थे मेरे लिए? परेशान नहीं, बस गुस्सा आ गया था। उदास तो हुए होगे। हाँ तो क्यों नहीं होगा? थोड़े ही ज़्यादा। क्या सुनना चाहते हो तुम ज़िनिया? अपने सवाल का जवाब, कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? अयास, शायद ये लोग हमें जिंदा ना छोड़े, इससे पहले ये लोग कुछ कर रहे हैं हमारे साथ। अयास तुम बता दो ना कि प्यार करते भी हो या नहीं करते तुम मुझसे? देखो तुम दोनों के लिए मैं क्या लाया। ये जगह छोटी पड़ रही है ना? मुझे भी दिख रहा है शरीफ। एक अच्छी बात बताऊं मैं, चार खिलाड़ी हो गए हैं इस गेम में, एक फजूल खिलाड़ी भी है ना, इस लड़की को निकाल देते हैं। शरीफ, शरीफ चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। ठीक है भाई। तो क्या करना है तुम तीनों का? हाँ बोलो, क्या हुआ? जवाब नहीं है? जबरदस्त, तो फिर फैसला मैं कर लेता हूँ। ऐसा है कि मैं बेकार के बंदों को मार देता हूँ। नहीं रुके, अयाज बेकसूर है। तो ठीक है फिर मैं तुम्हें मार देता हूँ। लेकिन मैं भी तो बेकसूर हूँ यार, किसी एक को तो मरना पड़ेगा ना, देखा नहीं कितना रश हो रहा है। शायद मैं कोई मशवरा दे सकता हूँ आपको। आप मेरे हाथ खोल दें तो मैं जल्दी से जाकर पैसे लाकर दे देता हूँ। नहीं, मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया। पैसे लाने का सोचा है तो यहीं पर मंगवा लो, इतने बेवकूफ नहीं है कि हम तुम्हें बाहर भेजते हैं। जो करना है यही करो, वरना तुम तीनों जान से जाओगे आज। हाँ ऐसा करते हैं कि अल्फाबेट पर चलते हैं। तो पहले अयाज साहब। अयाज साहब बेकोज माचा, देखा तुमने किस तरह से ये पहले हिंट देने की कोशिश कर रही थी? तुम भी अब तक समझ नहीं सके थे ना इस चालाकी को। मैं
सच में नहीं समझ सका किस तरह की हिंट थी। तुम्हें बाद में बता दूंगा। हाँ ठीक है। हाँ तो आप हमारी अच्छी सी और प्यारी सी रिवायत को समझ गए होंगे ना अयाज साहब। कुछ कहना मुझे जीनिया से। वो कोई सीक्रेट बात है तो हम जाएं क्या? चले भाई। जीनिया जानना चाहती हो ना कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था? तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब चाहिए ना? हाँ। ठीक है सब बताता हूं मैं तुम्हें। यार अयाज बोलो भी कुछ। अयाज ये सही वक्त है क्या? तुम बीच में नहीं आओ जावियर, हमारा आपस का मसला है। सुनो मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि। हाँ क्योंकि क्या? अब बता भी दो। तुम्हें क्या मसला है? हाँ भाई मुझे शक हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, पता तो लगाना होगा ना। या मेरे अल्लाह। बात सुनो तो मेरी, तुम्हें एक आखिरी चांस दे रहा हूँ मैं, जो कहना है जल्दी से कहो इसे। काश इस वक्त हमारे पास बीच होते तो तुम्हारा ड्रामा देख के उसे खा के। थू शरीफ मेरा दिमाग मत खराब करो वरना इन सबसे पहले तुम्हें मार दूंगा मैं। प्यार करती हो। सॉरी यार बट आई लव सीनिया। यह है तुम्हारी सजा। पता है तुम्हारी खुशबू भी मेरे प्यार की खुशबू की जैसी है बिल्कुल। यार मुझसे प्यार करता है, यार मुझसे प्यार करता है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा